नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। राजनीतिक हलचल पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश में अपितु पांच ही राज्यों में चल रही है। ऐसे में क्यों न हम राजस्थान मध्य प्रदेश की थोड़ी चुनावी बात कर लें। खबर 24 न्यूज उन खबरों को हमेशा दिखा रहा है जो घटना सामने होती है, जो आपके सामने नजर आती है। ऐसे में चुनावी हलचल की हम बात करें तो जब से उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, विरोध के सुर पूरे राजस्थान में बजने लगे हैं। ऐसे में भाजपा की पहली सूची ने विरोध के सुर पर बाजा बजाया, उसके बाद दूसरी सूची निकली तो ज्यादा बवाल हुआ। वहीं कछुए की चाल कांग्रेस की लिस्टों में शामिल हो रही है, यानी कि हम बात करें तो धीरे धीरे कांग्रेस कछुए की चाल कर उम्मीदवारों के नाम सामने ला रही है। एक तरफ ईडी का डंडा राजस्थान में, दूसरी तरफ भाजपा की विरोध की जो बातें हैं वो सामने नजर आ रही है। ऐसे में अपितु राजस्थान में हम गृह क्षेत्र झालावाड़ जिले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की करें तो जब से चारों विधानसभा पर भाजपा के प्रत्याशी उतारे हैं, ऐसे में शुरुआती दौर में जब डग विधानसभा के कालराम मेघवाल जब ग्रामीण अंचल पर पहुंचे तो उन्होंने भी काले झंडे दिखाकर विरोध का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। फिर अगले दिन वहीं मनोर थाना में देर शाम को गोविंद रानीपुरिया जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी हैं, उनका पुतला जला दिया। बात यूं ना ही खत्म हुई। फिर खानपुर क्षेत्र की बात करें तो बकानी में पूर्व विधायक अनिल जैन की मौजूदगी में बकानी के ग्रामीणों ने प्रत्याशी नरेंद्र नागर के खिलाफ नारेबाजी कर दी, उनका भी विरोध कहीं ना कहीं जता दिया। हम आज घटनाक्रम की बात करें तो आज ही गोविंद रानीपुरिया मनोर थाना जब वो प्रचार के लिए निकले तो उन्हें काले झंडे का सामना करना पड़ा। खबर 24 पूरी इन खबरों पर नजर रख रहा है। और एक तरफ हम बात करें सीमावर्ती मंदसौर जिले की तो कल वही पुराने सुभाष सजोतिया जो मंत्री रह चुके कांग्रेस सरकार के, उन्होंने कल नामांकन भरा और सैकड़ों की तादाद में लोग उनके साथ नजर आए। और आज उन्हीं के सामने चंद्र सिंह सिसोदिया जो भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने आज नामांकन भरा। उनके साथ भी समर्थकों का जमावड़ा गरोड़ में देखने को नजर आया। जब शुरुआती दौर में जब उनकी रैली का कारवा बढ़ा तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और संख्या जब रिटर्न अधिकारी कार्यालय तक पहुंची तो वहां पर 5 लोगों ने जाकर अंदर चंद्र सिंह सिसोदिया ने अपना नामांकन भरकर प्रचार की दौड़ शुरुआत कर दी। और वहीं सुभाष सजोतिया जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया। अब हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि झालावाड़ जिले के सीमावर्ती मंदसौर जिले की बात हो या झालावाड़ जिले की बात हो, विरोध के सुर जो है अभी तक दिखने लगे हैं। ऐसे में झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी को फिर से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। अब देखने वाली बात यह है कि विरोध के सुर कब खत्म होते हैं। लेकिन हां, अभी तक कांग्रेस ने 95 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 75 प्रत्याशी अभी बाकी हैं, यानी कि अभी कसमकस है। CWC कांग्रेस की बैठक, फिर भारतीय जनता पार्टी की बैठक, 30 तारीख को नामांकन शुरू होना और 6 तारीख तक आखिरी तारीख नामांकन की राजस्थान में है। एक तरफ मध्य प्रदेश की बात करें 17 नवंबर को वहां मतदान हो जाएंगे और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होंगे। धीरे धीरे चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही है और धीरे धीरे सुर भी विरोध के बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कौन अपनी सत्ता पर काबिज होता है। लेकिन विरोध के सुर जो है कहीं ना कहीं अभी भी सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब तक कांग्रेस ने पूरी तरह से लिस्ट जारी नहीं करी है, वहीं बीजेपी के भी अभी 75 लोगों के नाम बाकी है। ऐसे में लगता नहीं है कि कौन
कितना आगे जाएगा, लेकिन विरोध के सुर अभी नजर आ रहे हैं। हम राजनीति की थोड़ी सी बात कर लें तो पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से मैप तैयार कर रही है, इस तरह की रणनीति जो बना रही है कि हमें जब डोर टू डोर प्रचार करने जाना है तो हमारा मैप क्या होगा। एक तरफ प्रियंका गांधी झुंझुनू दोसा में महारैली कर रही है, वहां साल में 10,000 रुपए महिलाओं को देने की बात वर्तमान सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं, कुछ जनकल्याणी योजनाओं की और नई शुरुआत करने जा रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से एक प्लान बना रही है कि हमें जनता के बीच कैसे जाना है। लेकिन धीरे 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 जब तक 200 विधानसभा की उम्मीदवार प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल नहीं हो जाती तब तक हम ये नहीं कहते हैं कि कहाँ कितना जोर प्रत्याशी मार रहा है। लेकिन झालावाड़ की चारों विधानसभा पर अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि झालरापाटन से पूर्व मुखी वसुंधरा राजे के सामने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की धरपत्ती को भी उतार सकते हैं, यानी कि सारा पायलट का भी नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। ऐसे में अभी देखना है कि इन चारों विधानसभा को किस तरह से, तीनों विधानसभा जो है किस तरह से भाजपा मैनेज करती है और अपनी डोर किस तरह से मजबूत करने का काम करती है। एक तरफ विरोध के सुर जो है वो सामने नजर आ रहे हैं और खबर 24 न्यूज हर अपडेट आपको दिखा रहा है। ऐसे में चुनावी बात करें तो अब तक राजस्थान में जो ट्रैक बना हुआ है कि 5 साल मैं और 5 साल तुम, यानी कि पिछले 25-30 सालों से 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, अब ये ट्रैक बदलता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जनकल्याण योजना, OBS, ये कितना काम करता है उन मतदाताओं में और राजस्थान की 6.5 करोड़ जनता किसको अपना मत देकर सरकार चुनती है। और अभी अभी हम बात करें तो झालावाड़ जिले में भी महिलाओं का वोट बैंक बढ़ा है। ऐसे में हम डग विधानसभा की बात करें तो 2,64,225 जो मतदाता हैं वो इस विधानसभा के हैं। और पूरी झालावाड़ जिले की काउंसलिंग की बात करें तो 10.5-11 लाख जो है वो टोटल मतदाता है। सबसे बड़ी जो झालरापाटन विधानसभा 3 लाख से अधिक है और बाकी जो विधानसभा है वो 2-2.5 लाख से है। ऐसे में सीमावर्ती गरोड़ की बात करें तो वहां भी 2.5 लाख मतदाता है। कल हमने देखा कि राजस्थान के भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी बनाए गए सुभाजी सरजेता, राजस्थान के लोग भी वहां प्रचार करने गए। आज भी हमने इस चीज को कवर किया, गरोड़ विधानसभा में जब हम पहुंचे तो चंद्र सिंह सिसोदिया के साथ भी लोकलिटी राजस्थान के नेता उनके साथ थे, यानी कि देवीलाल धाकड़ जो विधायक थे उनके साथ जाकर चंद्र सिंह सिसोदिया का नामांकन भरना, वहाँ के गरोड़ के नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया उनके साथ होना, जिला परिषद अनुप्रिया उनके साथ होना, भाजपा के कार्यकर्ता उनके साथ होना। लेकिन शुरुआती ट्रैक है, देखते हैं आगे होता है क्या। और आपको हमेशा राजनीति की नई हलचल लेकर चलते रहेंगे, तब तक आप बने रहें चुनावी हलचल बातों के साथ। नमस्कार।